हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक चौरसिया और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईफोन 12 खरीदें या फिर आईफोन 13 मिनी खरीदें। ये जो सेल आने वाली है, यहाँ पे इन दोनों की जो प्राइस होने वाली है वो एकदम सेम टू सेम रहेगी जैसे आईफोन 12 मिनी और आईफोन 11 की रही थी पिछले साल। दोनों ही फोन्स 40,000 रुपये के आसपास थे, तो बहुत लोग कंफ्यूज थे कि इन दोनों में कौन सा आईफोन खरीदें। सेम चीज़ इस बार फिर से होने वाली है। आईफोन 13 मिनी और आईफोन 12 की जो प्राइस है वो सेम टू सेम हो सकती है, और आईफोन 11 और आईफोन 12 मिनी की भी प्राइस जो है वो सेम टू सेम रह सकती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि आईफोन जो है 13 मिनी लेना चाहिए या फिर आपको आईफोन 12 लेना चाहिए। तो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, सो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही कम लोग सब्सक्राइब करते हैं, पता नहीं क्यों, जो है 100% में 4-5% होते हैं जो सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो यहां पे हम बात करें अगर पहले की प्राइसिंग क्या होने वाली है आईफोन 12 की और आईफोन 13 मिनी की, तो मैं आपको बता दूं जो पिछले साल का बिग बिलियन डे सेल था उसमें आईफोन 12 की जो प्राइस थी वो 50,000 रुपए के आसपास थी, 48-50 के बीच में थी। तो जो ये सेल आने वाली है इसमें इसकी जो प्राइस है वो 40-45 के बीच में रहने वाली है, और सेम 40 से 45 हज़ार रुपये के बीच में आईफोन 13 मिनी की भी प्राइस रहने वाली है। तो ये दोनों ही फ़ोन्स जो है गाइस 5G हैं, और इनमें अगर मैं बात करूँ क्या चेंजेस हैं तो साइज़ का तो आपको पता ही काफ़ी चेंजेस है साइज़ में। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ कि जो है और ख़ास क्या स्पेशल चेंज है, तो इसमें सिनेमेटिक मोड है आईफोन 13 सीरीज़ में, जो आपको पता होगा कि फ्रंट कैमरे से अगर आप वीडियो बनाते हैं तो वहाँ पर सिनेमेटिक मोड लगा सकते हैं, बैकग्राउंड ब्लर हो सकता है, और आईफोन 13 मिनी के रियर कैमरे में भी सेम फीचर है। और यही सबसे बड़ा अपग्रेड था मुझे लगता है आईफोन 12 से आईफोन 13 सीरीज़ में। बाकी कुछ खास फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि इसमें जो है A15 बायोनिक चिपसेट लगा हुआ है, आईफोन 12 में A14 लगा हुआ है, तो एक चिपसेट जो है एक जनरेशन ज़्यादा लगी हुई है, तो आपको कुछ खास जो है परफॉर्मेंस के मामले में ज़्यादा फर्क देखने को मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। आप अगर आईफोन 11 से भी अगर इसको जो है परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे ना, अगर रेगुलर जो ऐप्स इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी आपको कुछ खास फर्क दिखने वाला नहीं है, क्योंकि इतने अच्छे पावरफुल इनके प्रोसेसर हैं कि मतलब एक दो जनरेशन अगर गैप में है तो उतना कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे बात करें कि आपको आईफोन 12 लेना चाहिए या फिर आईफोन 13 मिनी लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप आईफोन 12 के लिए भी जा सकते हो, 13 मिनी के लिए भी जा सकते हो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि आईफोन 13 मिनी काफ़ी छोटा फ़ोन है, 5.4 इंच की उसकी डिस्प्ले, और जो आपका आईफोन 12 है वो है 6.1 इंच। तो अगर आप एंड्रॉयड से शिफ्ट कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आईफोन 12 के लिए जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, उसका साइज़ जो है थोड़ा सा बड़ा मिल जाएगा, और आईफोन जो 13 मिनी है तो वो मिनी काफ़ी छोटा है, और मेरे हिसाब से आप एंड्रॉयड से शिफ्ट करेंगे तो जो मिनी फ़ोन है वो आपको कुछ ज़्यादा ही छोटा लगेगा। इवन आजकल जो जो अपना एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हैं वो आईफोन XR भी यूज़ करते हैं तो वो भी उनको छोटा लगता है, जबकि आईफोन XR 6.1 इंच का काफ़ी बड़ा फ़ोन है, मतलब मेरे आईफोन 12 प्रो से भी वो थोड़ा सा बड़ा लगता है। तो अगर आप एंड्रॉयड से शिफ्ट कर रहे हैं तो आईफोन 12 के लिए जाना चाहिए, और आईफोन 13 मिनी के लिए जा सकते हो अगर आप पहले से आईफोन यूज़र हो और आपको अगर कोई छोटा फ़ोन चाहिए और पावरफुल फ़ोन चाहिए, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें पैक हैं जो आईफोन 12 में हैं, आईफोन 13 में उससे बेहतर भी हैं, क्योंकि एक चिपसेट जो है ज़्यादा लगा हुआ है। और एक फ़ायदा और हो सकता है आप लोगों को कि 1 से 2 साल तक जो है, 1 साल तक आपको ज़्यादा अपडेट्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे आईफोन 13 मिनी में, क्योंकि उसमें A15 बायोनिक चिपसेट लगा हुआ है और आईफोन 12 में A14 लगा हुआ है, तो एक जो है जनरेशन का गैप है, तो इसकी वजह से आपको 1 साल एक्स्ट्रा जो अपडेट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे आईफोन 13 मिनी में। और अगर आपके लिए जो है अपडेट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो मेरे हिसाब से आईफोन 12 के लिए भी जा सकते हो, और इसकी जो प्राइस है वो हो सकता है थोड़ी बहुत और जो है डिस्काउंट में मिल जाए, क्योंकि अगर आपके पास जो है दो बैंक के कार्ड हैं जैसे कि ICICI बैंक का कार्ड है या फिर आपके पास कोई जो है एक्सिस बैंक का कार्ड है तो इन पर डिस्काउंट भी होने वाले हैं। क्या कुछ होता है वो मैं आपको आगे आगे वीडियो में बताता रहूँगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ मैं जो है अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। सो गाइस, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's